हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम बर्डी पाकशाला। त्योहारों का समय आ गया है और आजकल लोग नए नए पकवान बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि आज आपको मैं बेदनी पूरी और आलू की रेसिपी बताती हूँ। ये यूपी में बहुत ही फेमस है और स्पेशली आगरा और मथुरा में तो बहुत ही प्रेफर की जाती है। ये बनने में बहुत आसान है, जल्दी बन जाती है और स्वादिष्ट भी बहुत होती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका सारा सामान बड़ी आसानी से घर में मिल जाता है। तो मैं पहले आपको बेदनी पूड़ी की रेसिपी बताऊंगी। चलिए देखते हैं कि इनमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो बेदनी पूड़ी बनाने की विधि को मैं 3 स्टेज में बताऊंगी। पहली स्टेज में मैं दाल बनाने की प्रिपरेशन बताऊंगी और इसमें हम धुली उड़द की दाल को यूज करते हैं। दूसरी स्टेज में मैं आटा मारने की विधि बताऊंगी और तीसरी स्टेज में मैं आपको पूड़ी बनाने की विधि बताऊंगी। तो फर्स्ट स्टेज में मैं आपको दाल की प्रिपरेशन बताऊंगी। मैंने इसमें 1 कप धुली उड़द की दाल ली हुई है, जिसको मैंने 3-4 घंटे सोक कर लिया था। अब मैं इसको और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट लिया हुआ है। इन दोनों को मिला के मैं दरदरा मिक्सी में पीसूंगी। चलिए इसमें डालते हैं। हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब पानी डालूंगी और इसको दरदरा पीसूंगी। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। तो चलिए गैस ऑन करते हैं और इसको मैं थोड़ा 3-4 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। मैं इसमें फ्राई में 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी एंड हींग और ये मैं 2 टेबल स्पून। तो मैं इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूंगी एंड 4-5 मिनट ही मैं इसको भूनूंगी। तो ये देखिए 4 मिनट हो गए हैं और ये गोल्डन ब्राउन हो गया है हल्का हल्का। अब मैं इस गैस को बंद कर दूंगी। तो जब तक ये दाल ठंडी हो रही है, मैं आपको पूड़ी में किन किन चीजों की आवश्यकता है बनाने में, तो मैंने 2 कप आटा लिया हुआ है, 1/2 कप मैंने सूजी लिया हुआ है एंड मसालों में मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 2 टीस्पून मैंने धनिया लिया हुआ है जिसको कि मैंने रोस्ट करके दरदरा पीस लिया है, 1 टीस्पून जीरा है इसको भी मैंने रोस्ट करके दरदरा पीस लिया है एंड 2 टीस्पून सौंफ है इसको भी मैंने रोस्ट करके दरदरा पीस लिया है। इसमें 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, ये आपके स्वाद अनुसार है, और हरा धनिया लिया है एंड मैंने तलने के लिए घी लिया हुआ है। तो चलिए आटा मारते हैं। ये 2 कप आटा है, 1/2 कप सूजी है, 1 रेड चिली पाउडर है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, धनिया दरदरा पिसा होगा, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून सौंफ, सॉल्ट स्वाद अनुसार, हरा धनिया और ये दाल ठंडी हो गई है, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालूंगी। अब हम आटा मार लेते हैं। इसको मैं अच्छी तरह पहले मिक्स कर दूंगी। इसको मिक्स करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दाल और सारे मसाले आटे में अच्छी तरह मिल जाएं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी, मैंने 1 कप लिया है, मैं देखती हूँ इसमें कितना पानी लगेगा। और इसको ना ज्यादा सख्त मारना है और ना ज्यादा रोटी की तरह भी नहीं मारना है।
देखिए मेरा आटा मर गया है, इसको ना ज़्यादा टाइट मारना है और ना ज़्यादा लूज मारना है, और मैं इसको अभी 20 मिनट के लिए कपड़े से ढक के रख दूंगी। तो ये देखिए ये कितना अच्छा आटा मड़ा है, और ये 15-20 मिनट बाद और भी अच्छा हो जाएगा। इसको मैं अब कवर करके रख दूंगी। तो चलिए 20 मिनट हो गए हैं, मैं आटा देख लेती हूँ। तो ये देखिए काफी अच्छा हो गया है आटा। इधर मैं गैस ऑन कर देती हूँ। अब आटे में मैं थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के इसको और अच्छा मार लूंगी, जिससे पूरी और अच्छी फूल के अच्छी तैयार होगी। अब हम स्टेज 3 में पूरी बनाना सीखते हैं। मैं इसमें ये थोड़ा सा आटा ले लूंगी और मैं इसकी लोई नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं पूरी बनाती हूँ मैं लोई नहीं बनाती हूँ, इसको मैं लंबा लंबा रोल कर लेती हूँ और फिर उसके पीसेस काट देती हूँ। ये मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को इस तरह से तरीका सिखाया था, और इससे पूरी बहुत अच्छी बन जाती है। फिर मैं इसको चाकू से काट लूंगी। तो ये मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इसको बराबर के हिस्सों में चाकू से काट लूंगी। ये इसको अब मैं बेल लूंगी। इसको हल्के हाथ से ही बेलना है। इसमें परोथन यूज नहीं करना है, लगाना नहीं, आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये ऐसे ही बिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारी ऑयल तैयार हुआ कि नहीं। ऑयल अगर तैयार हो गया है तो ये जो मैंने आटा डाला है ये ऊपर आ जाएगा। अगर ये ऊपर नहीं आएगा इसका मतलब ये ऑयल तैयार नहीं है। तो ये देखिए ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब ऑयल तैयार हो गया है। तो पूरी डालते हैं, घी में डालते हैं, इसको हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा दबाएंगे। ये देखिए ये फूल गई है, और इसको हम पलट देंगे। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गई है एंड ये तैयार हो गई है। बेल लेते हैं। इसमें कोई परोथन आप बिल्कुल आटा मत लगाइएगा, ये ऐसे ही बेल जाएगी। इसको हल्के हाथ से दबाना है फुलाने के लिए। अगर आप नहीं दबाएंगे तो ये नहीं फूलेगी। और मैंने क्योंकि गैस ऑयल काफी हो गया था तो मैंने मीडियम पे उसको कर दिया है। चलिए ये आलू की सब्जी बनाते हैं बेदमी पूरी के साथ खाने के लिए। ये मेरी थोड़ी डिफरेंट सब्जी है क्योंकि मैंने इसमें टमाटर का यूज नहीं किया है, मैंने इसमें खड़े मसाले का यूज किया हुआ है। और मैं इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं एक ऐसी टिप आपको दूंगी जिससे अगर आप इस सब्जी को बनाओगे तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने 1/2 kg आलू लिया हुआ है, जिसको कि मैंने बॉईल कर लिया है। मैंने 1/4 teaspoon इसके लिए हींग ली है। 2 ग्रीन चिलीज हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 teaspoon अदरक का पेस्ट है एंड 1/2 teaspoon जीरा है। मैंने 1/4 cup देशी घी लिया हुआ है। गरम मसाले में मैंने 2 तेज पत्ता लिए हुए हैं, 4 लौंग है एंड थोड़ा सा दालचीनी है और काली मिर्च है, 4 छोटी इलायची है स्टार एंड साबुत लाल मिर्च है एंड बड़ी इलायची है। तो जो ये खड़े मसाले हैं यही आलू की सब्जी में बहुत टेस्ट लेकर आते हैं। मैंने इसमें 1 teaspoon धनिया पाउडर लिया हुआ है, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर है, 1 teaspoon भुना जीरा है, 1 teaspoon गरम मसाला है एंड 1 teaspoon काला नमक है। मैंने इसमें सिर्फ काले नमक का ही इस्तेमाल किया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एंड 1 teaspoon अमचूर पाउडर है, मैंने इसके लिए हरा धनिया लिया हुआ है।
तो चलिए आलू की सब्जी बनाते हैं। इसमें मैं घी डालती हूँ, गैस ऑन करती हूँ एंड घी। घी थोड़ा गर्म हो जाए, घी गर्म हो चुका है, हींग डालते हैं, जीरा, जीरा हल्का लाइट ब्राउन हो जाए जिससे उसका अरोमा आ जाए। इसमें ध्यान करने वाली बात है कि ये जो जीरा है किसी भी सब्जी में आपका लाइट ब्राउन होना चाहिए, तभी सब्जी में बहुत टेस्ट आता है। ग्रीन चिलीज, गरम मसाला, गैस मेरी तेज पे ही रहेगी, जिंजर, धनिया पाउडर, अब मैं आलू इसमें आलू काट के नहीं डलता है, इसमें आपको हाथ से इस तरह तोड़ के डालना है, तो इसमें आप कभी भी आलू काट के मत डालिएगा चाकू से, इसमें आपको तोड़ के ही डालना पड़ेगा। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दूसरी टिप मेरी ये है कि ये आलू को आप अच्छी तरह भुनने दीजिएगा एंड फिर मैं पानी मिलाऊंगी इसमें। ये भुन चुका है, मैं इसमें पानी मिलाऊंगी और ये आपके ऊपर है कि आप कितना इसको फिर खाना चाहेंगे, मतलब कि कितना आपका गाढ़ा होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा वैसे पतला नहीं बनता है, ये थोड़ा गाढ़ा ही रहता है। ये सब्जी थोड़ी गाढ़ी रखनी है स्वाद के लिए, इसको पतला बिल्कुल मत करिएगा ज़्यादा। और अगली टिप, इसको मैं एक बॉयल आने तक वेट करूँगी। तो इसमें एक बॉयल आ गया है, अब मैं इसमें भुना जीरा, गरम मसाला, आमचूर पाउडर एंड काला नमक। इसमें मैंने नॉर्मल नमक का यूज़ नहीं किया है, काले नमक से ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और आप इसको एक चीज़ और, चौथी टिप ये है कि आप इसको लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा, ये बहुत अच्छी सब्जी आएगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया इस टाइम भी डालूंगी टेस्ट के लिए। तो ये सब्जी में बॉयल आ गया है और ये मैंने गैस सिम कर दी थी। अब मैं इसमें जो फाइनल टिप आपको दे रही हूँ, जो मैंने जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि सब्जी बहुत चटपटी हो जाएगी, तो वो है मेरी ग्रीन चटनी, हरी चटनी धनिए की, जिसमें मैंने सिर्फ एक मिर्च, हरी मिर्च और खटाई और काले नमक से ये बनाई हुई है। ये मैं इसमें 3 टेबल स्पून डालूंगी, इससे इसमें इतना अच्छा चटपटापन आ जाएगा कि आप सब लोग उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे। तो ये देखिए मेरी आलू की सब्जी तैयार हो गई है, गैस ऑफ कर लेते हैं और सब्जी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। तो ये बेदमी पूड़ी, जिसको यूपी में बेड़ई कहते हैं, ये आलू की सब्जी के साथ तैयार है। तो आप इसे बनाइए, क्योंकि आजकल त्योहारों का समय है, ये बहुत जल्दी बन जाती है, आसानी से बन जाती है, टेस्टी बनती है और घर में ही इसका सामान बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो आप इसको बना के खाइए और अपने कमेंट, मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसी बनी है, खा के देखते हैं। वाह, वेरी टेस्टी।
तो आप इसको बनाइए, इसका भरपूर आनंद लीजिए, और अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।